मेहता का उल्टा चश्मा। संसार चलाने के लिए चार चीजें बहुत जरूरी है, ईमान, धर्म, ज्ञान, अच्छी सेहत और पैसा। चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं चाचा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने जो पैसे वाली बात कही ना चाचा जी, वो भी बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि जिनका हाथ तंग रहा, जिनकी कमाई कम रही, उनके लिए पैसा कमाना बिल्कुल मानसिक विटामिन की तरह है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा मेहता साहब आपने। और क्या है ना, पूरा दिन घर पे बैठे रहो तो बोर भी होता है, लेकिन अब कल से बहुत मजा आने वाला है। मैं अपने ऑफिस जाऊंगा, अपने टेबल पे बैठूंगा, वहां पर सब लोगों से मिलूंगा, ऑफिस में चहल पहल चल रही होगी, फर्स्ट क्लास चाय की चुस्की लूंगा और फिर सीधा जाऊंगा मैट्रिमोनियल डिपार्टमेंट में, सारे इश्तिहार देखूंगा और फिर किसी मैरिज ब्यूरो में अपना बायोडाटा भेज दूंगा। अबे ऑफिस में काम का ऐसा माहौल होता है ना कि दिन कहां बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। करेक्ट मैं दादा, एकदम करेक्ट कहा आपने। अरे ऑफिस में जाकर सबसे बात करते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। तुम्हारे तरह नहीं है जनरल कि घर बैठकर टीवी पर सिर्फ पिक्चर देखते रहे। अरे यार भाई, हमारे नसीब में घर पे बैठ के पिक्चर देखने का था तो हमने वो देखा भाई। क्या छोटे आज जड़प रहा, मैंने भी बहुत सारी फिल्में देखी, बड़ा मजा आया। हाँ, और जितने भी रिश्तेदार दोस्तों से काफी टाइम से बात नहीं हुई थी, उन सब से बात हो गई, बहुत अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोमल भाभी, और इस दौर में ज्यादा समझा और ज्यादा जाना कि जीवन क्या है। और हमें कोरोना काल में पैसों की भी इम्पोर्टेंस बहुत पता चली, नहीं तो कोरोना काल से पहले हम लोग कितना फिजूल खर्चा करते थे, अब जाके पता चला कि पैसों की कीमत क्या होती। वाह, इस कोरोना काल में पूरा पूरा दिन परिवार के साथ वक्त गुजार कर परिवार की असली वैल्यू पता चली। आखिर अपने तो अपने ही होते है ना तारक। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और खास कर ऐसे वक्त में परिवार साथ होना बहुत जरूरी है। घर में एक पत्नी हो, दो तीन छोटे छोटे बच्चे हो, बच्चे यहाँ से वहाँ दौड़ रहे हो, पापा पापा करके चिल्ला रहे हो, तो भाई ऐसा वक्त भी यूं बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता। हंसते खेलते अकेलापन महसूस नहीं होता। सच में मैं अपनी फ्यूचर वाइफ और फ्यूचर फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ। पोपटलाल भाई, मार्क माय वर्ड्स, जैसे ये सब खत्म हो जाएगा ना, आपका भाग्य भी खुल जाएगा और एक से एक रिश्ते आएंगे आपको। आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसको बोलूं। अरे थैंक यू कोमल भाभी, आपके मुंह में घी शक्कर। मैं तो कहता हूँ ये कोरोना भी इस दुनिया से जल्द चला जाए, ताकि मेरी शादी के चांसेस बढ़ जाए और इतने समय से जो लोगों के रुके हुए काम है वो भी सब पूरे हो जाए। अरे अय्यर भाई, अब तो साइंटिस्ट है तो कोरोना का कुछ करो ना भाई, रॉकेट में उसको पैक करके अंतरिक्ष में छोड़ के आओ ना। जनरल भले ही तुम मजाक करता है, लेकिन पूरी दुनिया का साइंटिस्ट और डॉक्टर मिलकर कोरोना का वैक्सीन ढूंढ रहा है। हाँ वो तो न्यूज में देखते हैं, और आई होप कि जल्दी ही उनको कोरोना का वैक्सीन मिल जाएगा और इस दुनिया से कोरोना हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। वाह ये वाह, बहुत बढ़िया, एकदम उम्मीद वाली बात की है तुमने। भगवान करे वैक्सीन जल्दी से मिल जाए, एक बार सब कुछ खुल जाए फिर तो काम ही करना है। हाँ छोड़ी, लेकिन कल से और जोश से काम करना है। हाँ बापू जी, कल से काम ही काम बेशुमार। हाँ और कल से टप्पू सेना का भी खेलना स्टार्ट हो जाएगा। यस यस डेफिनेटली। हाँ भिड़े अंकल, कल से टप्पू सेना सोसाइटी कंपाउंड में खेल सकती है ना? बिल्कुल खेल सकती है भाई, क्यों नहीं खेल सकती, भिड़े थोड़ी मना करेगा। नहीं भिड़े मना कर रहे हैं भाई, भिड़े मना कर रहे हैं। तेरे क्यों, तुमने कंपाउंड को अपना पर्सनल कंपाउंड बना लिया? गोकुलधाम सोसाइटी में आज परम तुकरम भिड़े कंपाउंड, कंपाउंड सभी का है तो टप्पू सेना क्यों नहीं खेलेगी? ओ पोपटलाल, सब कुछ खोल रहा है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और दूसरी मेन बात, तुम लोग की ऑनलाइन एग्जाम शुरू होने वाली है तो स्टडी पे फोकस करो, कर लेना। ए कर लेना सोनो। ओ बाबा शोधी थे आए ना, बोलते ना। हाँ हाँ कर लेना। नहीं नहीं बराबर है बराबर है टप्पू सेना, भिड़े अंकल की बात सही है। हाँ और बच्चों कंपाउंड में ही रहना, सोसाइटी के बाहर बिल्कुल मत जाना। हाँ और सावधानी बरतना। हाँ हाँ वो तो बोला ही है ना, बिना काम के कोई बाहर जाने का ही नहीं है ना किसी को। यस यस माधवी आंटी, हम बिल्कुल बाहर नहीं जाएंगे और सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे। शाबाश। वैसे एक बात तो है भाई, जब रोज ऑफिस जाते थे, ऑफिस में काम करते थे तो सोचते थे एक दिन छुट्टी मिल जाए, अब घर पे जब इतने दिन रहे तब पता चला काम की कीमत कितनी है। मगर काम की जिंदगी ऐसी है जैसे बिना दुल्हन के कुंवारे पोपटलाल की जिंदगी। वाह वाह क्या बात है, क्या क्या बात है भिड़े। अरे नहीं मतलब जो बोला उन्होंने वो एग्जांपल अच्छा लगा। क्या अच्छा है,
मेहता साहब प्लीज मेरे सामने कुंवारा शब्द मत बोल। इन दिनों मुझे दो शब्द से सख्त नफरत है, कुंवारा और कोरोना। ए डिब्बे, ये नफरत जैसे नकारात्मक शब्द मत बोल। अरे कल से सबका फिर से काम शुरू हो रहा है। सकारात्मक सोच रखकर नए अध्याय की शुरुआत करो। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, आप सभी को कल से शुरू होने वाले नए अध्याय और पुराने लेकिन नए तरीके से शुरू होने वाले काम के लिए शुभकामनाएं। एक मिनट भिड़े भाई, क्या बोला? तो कुछ समझ में नहीं आया। भिड़ू बिल्कुल मस्त बोला। वो जटाबरा भिड़ू ने बिल्कुल सही बात कही है। तेरे समझ में आ गया भिड़े क्या बोला? हाँ, भिड़ू ने बोला कि कल से नए काम शुरू कर रहे हो, उससे पहले पुराने खत्म कर दो। अरे छोड़िए, मेरे कहने का मतलब यह है कि कल से एक नई शुरुआत हो रही है ना, तो जो भी काम करेंगे उसके लिए शुभकामनाएं। अरे तो सीधा सीधा इतना सिंपल बोल सकता था ना भाई, जलेबी की तरह ऐसा गोड़ गोड़ बोलने की क्या जरूरत थी। हाँ भाई, कल से सब कुछ खुल रहा है तो हमारी पहले की तरह रूटीन लाइफ शुरू। गोपड़लाल, रूटीन लाइफ नहीं, डिफरेंट लाइफ शुरू हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन से लेकर ऑफिस के एटमॉस्फेयर तक सब काम बदल जाएगा। ऐसा लग रहा है अभी तो हर जगह में न्यू एक्सपीरियंस होगा, ये हमारा न्यू नॉर्मल होने वाला है। कभी पहले की तरह भीड़ भाड़, बेफिक्री, कहीं पर भी खाना पीना, किसी के भी ऑफिस में जाना मिलने के लिए, ये सब अब नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, सावधानी को लेकर नए नियम लागू होंगे। हम सब तो एडजस्ट कर लेंगे, पर पोपटलाल को प्रॉब्लम होगी। क्यों? कोरोना के इस काल में बिना काम के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है, मतलब कोई निकल नहीं सकता। और कोई नहीं निकलेगा मतलब लड़कियां भी नहीं निकलेंगी, और लड़कियां अगर नहीं निकलेंगी तो दिखेंगी नहीं, दिखेंगी नहीं तो नजरें कैसे मिलेंगी, और नजरें नहीं मिलेंगी तो प्यार भी कैसे होगा। अगर ऐसा हुआ तो तेरी प्रेम की गड्डी स्टार्ट होने से पहले ही ब्रेकडाउन हो जाएगी। कोरोना कोरोना सत्यानाश हो तेरा। अरे ये क्या किया तूने? लोग बीमार हो रहे हैं, जान जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पैसों का चक्र अटक गया, अरे लोग सड़कों पे आ गए तेरी वजह से। सच में अगर मेरा बस चले ना तो तुझे इस दुनिया से क्या, इस ब्रह्मांड से बात कह दूं। ओ ठंड रख, ठंड रख, खामखा इंजन गरम ना कर। कहीं कोरोना ने सुन लिया और उसका भेजा घूम गया तो फिर तेरी। नहीं 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 नहीं, कोरोना जी आप जहाँ कहीं भी हो प्लीज गुस्सा मत हो ना, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। देखिए मेरी शादी नहीं होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। पोपट भाई, आपकी शादी होगी, जरूर होगी, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? अरे जोड़िया तो भाग्य मिलाता है। और पोपट भाव जी, आपके भाग्य में होगा ना तो रिश्ता कहीं से भी ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएगा। वाह, थैंक यू। वेलकम। उम्मीद पे दुनिया कायम है पोपटलाल। चलो कल से एक नई उम्मीद के साथ, नई खुशियों के साथ नए दिन की शुरुआत करें। और भगवान करे ये कोरोना और लॉकडाउन जैसा समय विश्व में फिर कभी ना आए। कभी कभी नहीं, कभी। और कल सब लोग जोश में जल्दी उठ जाना, जल्दी तैयार हो जाना और जल्दी से काम के लिए निकल जाना। पहले दिन हम अपने ऑफिस वक्त से पहले पहुंच जाएंगे। भाई सोड़ी, तू कल जल्दी उठ जाना। जी मैं क्यों? कल तू मुझे अपनी जीप में मेरे ऑफिस छोड़ देना। ओए पक्का पप्पू, पक्का। ओए यारो, कल सवेरे तड़के मेरी गड्डी तैयार रहेगी और जिसको जहाँ जाना है ना वहाँ छोड़ दूंगा। ऑल आर वेलकम। थोड़ी थैंक यू, तुम्हारे साथ चल के बड़ा मजा आता है, लेकिन कल ऑफिस से गाड़ी आ रही है मुझे लेने। मेरे को भी लेने के लिए साइंस सेंटर से कार आने वाला है। मुझे दुकान से लेने के लिए गाड़ी नहीं आने वाली है, इसलिए मैं तेरे साथ ही आऊंगा। ओ जेठा ब्रा, मेरे होते हो तुसी फिकर क्यों कर रहे हो? ओ मैं छोड़ दूंगा ना आपको दुकान तक। ओके। लेकिन जेठालाल, उसके लिए तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा। क्या है, इतने दिनों से आदत हो गई ना लेट उठने की, इसलिए बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारा सखाराम है ना, वो लेके चला जाऊंगा। नहीं 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 जेठालाल, कल से मेरी आचार बाबड़ की डिलीवरी शुरू होने वाली है तो मैं सखाराम पे जाऊंगा। तो तू भी चलना मेरे साथ सखाराम में भाई। मैं वो सखरम लेकर दुकान के उधर उतर जाऊंगा, फिर वहां से तू सखरम को लेकर डिलीवरी के लिए निकल जाना। कौन रोकेगा तुझे? कौन रोके? ये सखरम माजा है, उस पे मैं ही जाऊंगा। तुम सोड़ी के साथ ही जाना भाई। अब पोपटलाल तुम मेरे साथ आ जाना। अरे थैंक यू भिड़े, लेकिन तेरे स्कूटर और साइड कार के बीच में तुझे एक पार्टीशन लगाना पड़ेगा। अब क्या है ना, मैं अपनी हेल्थ को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकता। नहीं भाई नहीं, तुम भी सोड़ी के साथ ही जाना, तुम्हारे लिए मैं इतना खर्चा नहीं करूंगा। बस ना भिड़े, दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा। अरे एक मिनट भिड़े, तू पोपटलाल को अपने साथ ले जाने को तैयार है, मुझे क्यों नहीं? नहीं भाई नहीं, तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि तुम जहाँ भी होते हो ना जेठालाल, वहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है तो हंगामा हो ही जाता है। क्या कुछ भी बोल रहा है भिड़े, कुछ भी। चल जा, नहीं आना तेरे साथ।
अरे चलो भाई चलो, अभी रात भर बातें करके जागरण करना है क्या? सोना नहीं है? चला चला हिस्ती वे। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एक म्यूजिक सेक्रेटरी, ये घोषणा करता हूँ कि आज की ये मीटिंग यहीं पे समाप्त होती है। चलो भाई कल से जिंदगी शुरू। हाँ फाइनली। की होया? जो ठायुसु क्या सोच रहा है? रोशन डार्लिंग बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। टेंशन? अभी थोड़ी देर पहले तो तू इतना जोश में था, इतना एक्साइटेड था, अचानक क्या हो गया? मुझे जोश में होश खो बैठा था, अब ये सोच रहा हूँ कि इतनी बड़ी टेंशन से निकलूंगा कैसे। टेंशन? कैसी टेंशन? और रोशन कल से आप लोग काम धंधे नौकरियों पे जाएंगे, कल से अपना गैराज भी खुलेगा। रोशन तो ये तो खुशी की बात है बाबा। नहीं नहीं बात तो खुशी की है, लेकिन रोशन डार्लिंग इतने टाइम से ना तो किसी की गड्डिया रिपेयर हुई है और ना ही सर्विस, और कल से अपने गैराज में लाइने लग जानी है लाइने, और फोन तो अभी से ही आने लग गए। हाँ तो वो मेरी पोली रोशन वो लॉकडाउन में आधे से ज्यादा मैकेनिक गाँव चले गए, गैराज में इतनी सारी गड्डिया आएंगी और गड्डियों को रिपेयर करेंगे और गड्डियों का सामान कैसे करेंगे कैसे। आइडिया, कल ये रोशन सिंह सोडी गराज जाएगा ही नहीं, कल मैं गराज बंद रहूंगा। रोशन तू ऐसी बात कर रहा है? रोशन सिंह सोडी ऐसी बात कर रहा है? मैंने कभी सपने में पर नहीं सोचा था कि रोशन सिंह सोडी ऐसे हिम्मत हार सकता है। बस रोशन सिंह सोडी कभी हिम्मत नहीं हारता, लेकिन लेकिन कल इतनी सारी गड्डियां आएंगी, इतनी सारी गड्डियों को एक साथ रिपेयर वो कैसे होगा, क्योंकि रोशन सिंह सोडी ने आज तक जो वादा किया उस टाइम पे उसने गाड़ी रिपेयर की है और डिलीवर की है, लेकिन कल मैं सबको क्या जवाब दूंगा। रोशन रोशन तू किटलू किटलू टेंशन ले रहे हो छे? वो टेंशन है तो है, मैं थोड़ी ना पकड़ के लाया हूँ, ऑटोमेटिक आ रही है। रोशन रोशन बड्डा ने मालूम छे कि कोरोना काल चल रहा था, सब कुछ बंद था, गैराज पण बंद था। हाँ वो तो सभी को पता ही होगा। जाओ तू सभी को बता कि गड्डिया जास्ती है और मैकेनिक कम है, तो जो गाड़ी पिल्ले आती है उसको पिल्ले रिपेयर कर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, विल्लो तो पिल्लो। अरे वाह ये गल तो मैंने सोची नहीं। और छुटपुट प्रॉब्लम वाली गड्डी को पिल्ले रिपेयर कर दे, सब तेरा प्रॉब्लम समझेंगे, तुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। ओ हाँ यार वो मेरी टेंशन में मैंने ये गल सोची नहीं, और सब गड्डी वालों को मैं यही बोलूंगा, और रोशन डार्लिंग आई लव यू, आई लव यू टू रोशन, आई लव यू टू 3 4 5 6, और मेरी दूध मलाई, मेरी गुड़ की डली, और मेरी रसमलाई। बस 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 रोशन टोपी जा बस बहुत उठेगी हूँ, अब चल के जल्दी सो जाते हैं, तब तो जल्दी तू उठेगा ना बाबा। क्या कर रहे हैं? कल सुबह ऑफिस है ना, जल्दी उठना है ना, सोना नहीं है? पता है भाई सोना है, लेकिन अभी से ऑफिस बैग तैयार कर रहा हूँ ताकि कल बिल्कुल देरी ना हो। कल से एक नई शुरुआत होगी, चहल पहल होगी, उमंग होगी, लोग अपने काम पर जाएंगे, जीवन फिर से अपनी राह पे होगा। आप तारक एक बात कहूँ? हाँ जरूर कहो। वैसे मुझे खुशी है कि कल आप फिर से ऑफिस जाने वाले हैं। बिल्कुल, पर कहीं ना कहीं एक मायूसी भी है। पर भाई एक तरफ कह रही हो तुम खुश हो और दूसरी तरफ कह रही हो मायूस हो, क्यों? अब कल से आप घर पर नहीं रहोगे तो मैं आपको मिस करूंगी। मेरी अंजलि, मिस तो मैं भी तुम्हें बहुत करूंगा। सच? हाँ ऑफिस में बैठ के तुम्हें याद करूंगा अंजलि, याद करूंगा वो दिन रात हमारा एक दूसरे के साथ रहना, वो बेसाख्ता इन नैनों का टकरा जाना, तुम्हारा मेरे पास से गुजरना और तुम्हारी जुल्फों का मुझे छू जाना, तुम्हारी मोहब्बत की महक में मेरा महक जाना, और कई बार सोफे पे बैठे बैठे मेरा ऊँ जाना, तुम्हारा आके मेरे बालों में अपनी उंगलियां फिराना, वो पुराने एल्बम देखना जैसे यादों का पिटारा खोलना, और जिंदगी के बिताए हसीन लम्हों को याद करके फुर्सत के इन दिनों को सुनहरा बनाना, और कई बार खामोशी से एक दूसरे के साथ बैठ जाना, ना तुम्हारा कुछ बोलना ना मेरा कुछ बतियाना, तुझे की धड़कनों को सुनना, महसूस करना ऐसे कि जैसे इस जिंदगी में एक नई जिंदगी का मिल जाए। घर के कामों में मेरा हाथ बटाना, आटा गूंथते गूंथते
मेरी लहराती जुल्फों को मेरे कानों के पीछे पहुंचाना। भगवान का जैसे भेंट हो, जब चाहो आपको अपनी नजरों के सामने पाना, एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने का सुनहरा वक्त मिल जाना। सच कहा आपने, इसी जिंदगी में जैसे एक नई जिंदगी का मिल जाना। अंजलि अंजलि अंजलि, तुमने मेरे हृदय के तारों को झंकृत कर दिया। अंजलि बैठो बैठो बैठो। अंजलि मैं नहीं जाऊंगा ऑफिस, मुझे ऑफिस नहीं जाना। हम लोग बैठ के यूं ही बातें करेंगे अंजलि, इन दिनों को याद करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऑफिस तो आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्यार से दिल चलते हैं, घर नहीं। तो अंजलि, घर चलाने के लिए काम तो करना पड़ेगा, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। करें पर बहुत मिस करेंगे ना एक दूसरे को, इन दिनों को, इन बातों को। लेकिन एक काम कर सकते हैं ना, तुम मुझे वीडियो कॉल करना। गुड आइडिया, वेरी गुड। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी वक्त मत कर देना। मान लो मैं मीटिंग में हूँ, बॉस के साथ हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ और तुम वीडियो कॉल कर लो, इसलिए पूछ लेना कि मैं फ्री हूँ या नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि जेठालाल की तरह किसी वक्त फोन कर दो। अच्छा, मतलब आपके लिए मित्र पत्नी से बढ़कर है, वो कभी भी फोन कर सकते हैं, मैं नहीं। जल्दी वैसे एक बात कहूँ, मित्र का स्थान भी जीवन में पत्नी से कम महत्वपूर्ण नहीं होता। और एक बात का तो बिल्कुल बुरा मत मानना अंजलि, कि अगर मित्र जेठालाल जैसा हो, परम मित्र हो, तो उसका स्थान पत्नी से थोड़ा विशेष ही होता है। क्यों? पत्नी क्यों नहीं? देखो भाई, क्या है अंजलि कि पत्नी हमारे दिल की मालिक होती है, तुम हमारे दिल की मालकिन हो भाई, जीवन की मालकिन हो, लेकिन मित्र तो यत्र तत्र सर्वत्र होता है ना भाई। जैसे मैं और जेठालाल एक दूसरे से अपने दिल की बात कर सकते हैं और करते भी हैं, और वो बात हम राज भी रख सकते हैं। जैसे जेठालाल को मैं कुछ कहूं और कहूं भाई इसे राज रखना, तो राज रखता है, और वो मुझे कुछ कहे मैं भी राज रखता हूं। लेकिन मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम तो अपनी मम्मी को बता ही देती हो ना। अच्छा, एक सामान्य सा उदाहरण और देता हूं, जेठालाल के साथ मैं पार्टी कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे साथ तो क्या, तुम्हारे सामने भी पार्टी नहीं कर सकता अंजलि। अच्छा बाबा, मान गई, परम मित्र का स्थान पत्नी से थोड़ा बढ़कर होता है, थोड़ा सा। अब चले सोने। चलो भाई सो जाते हैं। चलो हम लोग तो जल्दी सो जाएंगे, पर मेरा दिल कह रहा है जेठालाल ना जल्दी सो पाएगा ना जल्दी उठ पाएगा। कल सुबह जल्दी उठना है पर नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूं? ये कोरोना काल में देर से सोने की आदत बहुत भारी पड़ रही है। बाका का फोन, कल पहले दिन इसको छुट्टी चाहिए क्या? हाँ बोल बाका। हाँ सेठ जी। कल छुट्टी चाहिए क्या तुझे? क्या सेठ जी, आप भी? कल इतने दिनों के बाद हमारी दुकान खुल रही है, मैं दुकान में काम करने के लिए तल पापड़ हो रहा हूँ, और आप पूछ रहे हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए? अभी तो मेरी हालत ऐसी है कि अगर आप मुझसे कहोगे कि बाघा कल से दुकान 24 घंटे चालू रहेगी, तो मैं 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। तो बता फोन क्यों किया? कल हम दुकान खोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? यही कि इतने दिनों के बाद हम कल दुकान खोल रहे हैं, तो दुकान साफ तो करनी पड़ेगी ना। अरे हाँ, दुकान साफ करनी पड़ेगी, बराबर है। हाँ, तो उसके लिए एक बड़ा झाड़ू, एक छोटा झाड़ू, एक बकेट, फिनाइल, वॉशिंग पाउडर, ये सब मैं लेके आऊं? बड़ा झाड़ू, छोटा झाड़ू, पोंछा, बकेट, ये सब लेके मैं सोसाइटी में से निकलूंगा तो सब हंसेंगे मुझ पे। और मान ले सोसाइटी में से मैं हेमकेम निकल गया, किसी ने मुझे नहीं देखा, तो रिक्शा में मैं ये सब लेके कैसे आऊं? बड़ा झाड़ू रिक्शा में कैसे फिट होगा? बाहर ऐसे ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा उसको। मेरी पूरी बात तो सुनिए सेठ जी, मैं ये कह रहा था कि ये सब मैं लेकर आऊंगा। हाँ, तो मैंने फोन इसलिए किया था कि ये साफ सुफ में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम कस्टमर के लिए दुकान एक घंटा लेट खोले। अरे तू अभी मुझे बोल रहा था कि 24 घंटा तू दुकान में काम करने को तैयार है, और अभी बोल रहा है दुकान एक घंटा लेट खोले तो? अरे एक तो इतने लंबे टाइम के बाद दुकान खुल रही है, तो तू और मगन कल थोड़ा एक घंटा जल्दी आकर दुकान साफ नहीं कर सकते? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, तो मगन को आप बोलेंगे या मैं बोल दूँ? अरे मैं बोलूँ या तू बोले, एक ही बात है ना भाई। इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप बोलेंगे या मैं बोल दूँ? अरे बोल दे ना भाई, तू बोल दे उसको। जी ठीक है, और कुछ? नहीं और कुछ नहीं। गुड नाइट। हाँ गुड नाइट, मिलते हैं कल दुकान में। गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है? दोस्तों जेठालाल को सुबह जाना है दुकान पे, लेकिन आंखों से नींद गायब है, छुबंतर।
इस कोरोना काल में ऐसा ही हुआ है, हम सभी की दिनचर्या बिगड़ सी गई है। लोग देर तक रात को जागते हैं, या तो घर वालों के साथ कुछ खेलते हैं, या फिर टेलीविजन देखते हैं, या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। कुल मिला के देर तक जागते हैं, फिर देर से उठते हैं, सारे काम आराम से करते हैं। लेकिन यही जिंदगी जब रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पे लौटती है तब बड़ी मुश्किल होती है। फिर ऐसे पटरी पे आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत दिनों तक वेकेशन बना रहा, फिर स्कूल जाना हो तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, फिर वो नखरे करता है। अब हमारा भी हाल ऐसा ही है कि बहुत लंबी वेकेशन के बाद हम काम पर जाने वाले हैं या जा रहे हैं, और अब हम तो नखरे कर नहीं सकते। हमें तो हमारी जिंदगी उसी तरह से चलानी होगी जिस तरह से चलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त स्थिति यह है कि जेठालाल को नींद नहीं आ रही। और एक राज की बात मैं आपको बता दूं, ये रात बहुत लंबी होने वाली है, और इस लंबी रात में ऐसा कुछ होने वाला है जो आपके लिए लेके आएगा ठाके ठाके मनोरंजन ही मनोरंजन। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम मुझे समझते क्या हो स्त्री वाला? इतनी रात गए फोन करके मुझे स्त्री करने के लिए बोलते हो? अरे एक मिनट भाई, मेरी बात तो सुन भाई। और मैं किसको बोलता, पूरी सोसाइटी में एक तू ही तो है आयरन मैन। और ये देख, तेरे लिए तो कपड़े इस्त्री करना बाएं हाथ का खेल है, हैं? चेठल। और तू ही कहता है ना भाई कि दूसरों की मदद करने से पुण्य मिलता है, तो सोच मेरी मदद करके तुझे कितना पुण्य मिलेगा। ये ले। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।